27 जून का ही सीधी जिला के कुछ प्रोफाइलर में, कुछ लोगन के प्रोफाइल में ही एक वीडियो अपडेट होती। यह वीडियो अपडेट होती, अपलोड होती है, एक ही बार कुछ घंटन बाद डिलीट हो जाती, कुछ मिनटन बाद डिलीट हो जाती। एक ही बार 3 तारीख का ही फिर से वह वीडियो कांग्रेस और भाजपा से टिकट के राग अलाप रहे एक गने शख्स के ही प्रोफाइल में ही अपलोड होती है। अब देखते देखा तो वह वीडियो चंद मिनटन के अंदर पूरे देश में वायरल होती है और हड़कंप मच जाता है। अब जैसा ना ये वीडियो वायरल होती है, वैसा ना कांग्रेस के नेता, छोट नेता, बड़े नेता सब जाए के वह वीडियो वायरल होए वाले शख्स के घरे पहुंच जाते हैं मैं। और यह वीडियो रहा थी भाई एक आदिवासी समाज के ही एक युवक 10 मत कोल के ही जो उनके पैसे से पल्लेदारी करा था। यह वीडियो वह पल्लेदार के रहा थी भाई जो उन वायरल होती भाई वो पल्लेदार के घरे, वो 10 मत कोल के घरे कांग्रेस के छोट से बड़े नेता जाए के धरना पर बैठिया थे। काहे कि ये वीडियो वाकई में ही ऐसा वीडियो रही कि जो मानवता के सीधे सीधे गला घोट देत रही। गला घोटे वाली ये वीडियो जैसने वायरल होती भाई वैसने नेशनल मीडिया एक तुरंत कवर करती है। या तुरंत वह देखते देखते मीडिया रिपोर्टरन और पुलिस वाले की छावनी में तब्दील हो जाते हैं 10 मत कोल के घर। और तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडियन में ही 10 मत कोल के ही बयान चले लगा था भाई। और माननीय शिवराज सिंह मुखिया प्रदेश के ही तुरंत आदेश करा थे कि आरोपी को वो बक्सा ना जाइए, ओकर घर तुरंत गिरावा, आरोपी के कर्मन के सजा आरोपी के घर वाले का दे, परिजनन का दे। और देखते देखा आरोपी के घर नेस्ता नाबूद कई दिन जाता है, यानी कि आरोपी के ही परिजनन के घर, आरोपी के माँ बाप के घर नेस्ता नाबूद कई दिन जाता है। आरोपी के ऊपर एनएसए लगाए कि जेल भेज दिन जाता है। कांग्रेस का लागे लागत है कि बस ये अब हमका राष्ट्रीय मुद्दा मिल गया है, अब हम यह मुद्दा का सीढ़ी बना के सीधे प्रदेश में सरकार बना ले। शिवराज सिंह जब देखा थे कि यह में के हो लाग है तो शिवराज सिंह कहा थे कि ऐसा ना हुई, हम कैसों के सरकार बनावे देव। और सीधे आदिवासी का बलावा थे, पैर पखारा थे, ओखा घर बनवावे का पैसा दे थे मैं, और ओखा कुछ और व्यवसाय करे का पैसा दे थे। लिहाजा अब कांग्रेस जब पुंज पीछे आवे लागे लागत है कांग्रेस का ही कि अब हम पीछे हो ही लागे हैं, तब पुन के ही कांग्रेस जाती वह अब बतावा थी आदिवासी का कि तुम्हारे हितैषी हमाहन, तुम्हारे हितैषी हमाहन, बाकी भाजपा में ही तो इम ए के ही आरोपी जो रहा हुआ भाजपा के प्रतिनिधि रहा, ऐसे ही तो उनका भाजपा सुनी यह सब तुहों का जो उन तुह पाप खारा जा लाघ भाई यह सब देखावा आए बोल लाघ भाई। आपस में ही कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के आरोप लगावत रह गई तो तीसर पार्टी कैसन के पीछे रह जा। ऐसने में ही समाजवादी पार्टी के ही आदिवासी नेता सीधी पहुंचे और जाए के ही 10 मत कोल के घरे में 10 मत कोल से मुलाकात करीन और बताइन कि आदिवासी नेता हमहूँ आहन आओ हम तुम्हारे सुख दुख में ही साथ दे आन है भाई, तुम्हारे साथ जौन भा है एक हम बदला लेब और आंदोलन करब। अपना बताई कि सीधी जिला में ही कल समाजवादी पार्टी के ही पूर्व कैबिनेट मंत्री व्यास गौड़ जी सीधी पधारे और आदिवासी नेता से आदिवासी नेता कहीं लागन हो सका थे, भविष्य में नेता बन सका था भाई। आदिवासी 10 मत कोल जो उन पीड़ित रहा ओके यहाँ जाए कि उससे मुलाकात करीन। आओ कल सोमवार का ही अब आंदोलन कर ही देश में ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन करे के चेतावनी दीनी नहीं भाई। फिलहाल अब यह आंदोलन से ही कितना फायदा पहुंची समाजवादी का ही और कितना नुकसान हुई कांग्रेस और भाजपा का ये तब देखे वाली बात होती भाई। फिलहाल आई दिखाई थी अपना का सुनवाई थे कि का कुछ कहा भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री व्यास गौड़ की। धरना तो अभी कर रहे हैं, इतना अपमान है, बड़ा अपमान, छोटा अपमान नहीं है। तो हमारे सारे लोग इंतजार करे, हम जब एक बारे ना बोले तो हमारे समाज के पास 10 करोड़ जनता के समाज ये लड़ाई लड़ेंगे। प्रवेश शुक्ला जिस जो ये काम किया, जो ये पूरा मूत्रकांड का जो आरोपी है उसके घर वालों उसका घर गिरा दिया गया, यानी उसके पिता का घर गिरा दिया गया, तो ये कहाँ तक मानते हैं कि कितना सही है दूसरे के कर्मों की सजा दूसरे को देना? देखिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग भी बोले कई बार हमारा बयान आया तो भाई बुलडोजर से कोई रास्ता नहीं निकलता, बुलडोजर तो ब्रेक हंडे दूसरे के हाथ में है, जिसको आज हम लोग यहाँ बैठे हैं पता लगा ये सब गिराने लगे, तो इस पर तो विचार करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं राजनीति के तहत देखिए यह घर गिरा है हैदराबाद में, जो उनका घर गिराया गया, उनके पिताजी के बनाए घर गिराया गया, उनके भाई के घर गिराया गया, उनके माँ के घर गिराया गया,
इसके पर हम सरकार के निंदा करते ही नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा अपमान है, इतना मन में पीड़ा है। तो जब हम 5 तारीख के वीडियो देखे, 6 को हमको मिला, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा के फोन किए, कहाँ हो ब्यास? तो हम बताए तो इस जिला में, कहे तब भाग के जाओ, ऐसा घटना हुआ। जब हम मोबाइल देखे, खोले, तो 15 मिनट तक हम शक देने लगा। इतना बड़ा अपमान कभी हम नहीं सुने नहीं है ना देखे थे, जो देखे और सुने। तो यह बहुत बड़ा अपमान है, यह 10 करोड़ आदिवासियों के अपमान है, गरीब लोग के अपमान है। सत्ता के नशा में इतना चूर हो गए थे तो लग नहीं रहा, तो जमीन पर हम पेशाब कर रहे हैं तो किसी के शरीर पर कर रहे हैं। ये घटना जो है अभी आप वीडियो पे मोबाइल पे देख रहे थे, उस घटना पे आपने उसका जो पीड़ित है दशरथ कोल उसका बयान भी सुना, क्या कह रहा है उस घटना के बारे में, क्या कहना है? यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि घटना झूठी है, यहाँ तक कि जिले के कलेक्टर को विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी कि घटना सही है, आदिवासी भी वही है जिसके साथ घटना घटी है। देखिए वो कमज़ोर है, उसको सत्ता वाले धमका दिए हैं, और सत्ता के डर के मारे कोई हमारे पर हमारा बुलडोजर हमारा घर पर ना चल जाए, कहीं हमारा का रसुका ना लग जाए, धमका के बंद कर दिया गया उसका आवाज़। वो सेम आवाज़ नहीं दबाया है, उसको आवाज़ दबा दिया गया। और हो सकता है तो कहा होगा तो तुम अपना आवाज़ नहीं दबाते हो तो तुम्हारे परिवार और बच्चे का आवाज़ दबा दिया जाएगा। ये जो मामला आया है, इतना बड़ा मामला है, आपकी पार्टी क्या करेगी, इसको कहाँ तक उठाएगी? क्या अभी लोकसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, क्या इस ओर भी आप लोग जाएंगे? आपने कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको संदेश दिया है। जी सही बात है पत्रकार साहब, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। मंडे के दिन 11 बजे हम कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे, बात करेंगे। यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो ये सदन दिल्ली तक हम जाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, कमज़ोर आदिवासियों की लड़ाई। अभी मध्य प्रदेश कोल जनजाति के अध्यक्ष आए थे रामलाल रौतेला जी, उनसे जब पत्रकारों ने एक सवाल किया कि विपक्षी पार्टियों द्वारा राजनीति की जा रही है, इस पर उन्होंने कहा कि ये छोटी सी घटना है, ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये उनके तो हम निंदा करते हैं बात के, जो कहें तो छोटी सी घटना है। अब इसे कौन से घटना बड़ा हो सकता है, जो किसी के शरीर पर पेशाब कर दे, टट्टी कर दे, मार दे, पीट दे, इसे बड़ा घटना कौन हो सकता है? वो हो सकता है उनका मानसिकता कुछ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो भी तो कोल समाज के अध्यक्ष हैं और प्रदेश भर के अध्यक्ष हैं, समाज के हैं। जैसे गांव में कहा हो तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, वन में दोष है। सरकार जो कार्यवाही की है तो कहां तक सही लगता है आपको कि सही कार्यवाही हुई है? सरकार तो कोई कार्रवाई नहीं की। एक उसको बुला के पैर धो लिया गया घर में, तो आप चौराहा पर पेशाब करिए, घर में बुलाइए पैर धो लीजिए, तो ये तो 10 करोड़ आदिवासियों के अपमान है। ये अपमान के बदला तो आदिवासी लेंगे, चुनाव से ले भी लेंगे, आज सड़क पर लेंगे, आज सदन घेरेंगे। धन्यवाद।